नमस्कार, आप सबको बताया कि 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है और T20 वर्ल्ड कप कहां होगा? ओमान और UAE में। लेकिन इसको लेकर ब्रैड हॉग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर रह चुके हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि आप सुनेंगे तो आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। जी हां, ब्रैड हॉग ने दरअसल एक नई टीम बनाई है और इस नई टीम के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हम लेकर आए हैं। जानकारी है कि इस टीम से कुछ स्टार प्लेयर्स को बाहर कर दिया है ब्रैड हॉग ने। अब उन्होंने क्या खेल खेला है, मैं आपको वो पढ़कर बताता हूँ। सबसे पहले उनकी टीम जानिए कि वो टीम कौन सी चुनना चाहते हैं, किन प्लेयर्स को जगह देना चाहते हैं, और ब्रैड हॉग के मुताबिक कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो T20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से खेले तो भारत इस कप के लिए मजबूत दावेदार बन सकता है। पहले तो ब्रैड हॉग को एक बात, एक भारतीय क्रिकेट फैन होने के नाते हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय टीम इस वक्त मजबूत दावेदार मानी जा रही है T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब उन्होंने अपने YouTube चैनल पर दरअसल एक टीम बनाई है, वो क्या लिखते हैं आप सुनिए। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपनिंग करने की सलाह दी है अपने इस टीम में। आगे वो लिखते हैं कि मैं शिखर धवन को लेकर थोड़ा कठोर रहूंगा। उन्होंने इस टीम से शिखर धवन को बाहर कर दिया है, आउट कर दिया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कुछ अटैकिंग प्लेयर्स की जरूरत होगी, इसलिए विराट कोहली को उन्होंने ऊपर रखा है। मैं तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को टीम में रखना चाहूंगा, सूर्य कुमार यादव जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की वर्सटिलिटी बैटिंग लाइनअप थोड़ा मसालेदार बना देगी। केएल राहुल को वो चौथे नंबर पर रखना चाहते हैं, ऋषभ पंत को वो पांचवें नंबर पर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऋषभ पंत एक फ्लोटर के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए ऋषभ पंत को पांचवें नंबर पर आप रख सकते हैं। सातवें ओवर में अगर विकेट गिरता है तो मैं स्पिन को डोमिनेट करने के लिए ऋषभ पंत को भेज सकता हूं, अगर वो कैप्टन होते। उन्होंने सलाह दी है कि ऋषभ पंत को इसलिए पांचवें नंबर पर रखना चाहिए। वो आगे लिखते हैं, हार्दिक पांड्या को छठे नंबर पर, रविंद्र जडेजा, देखिए रविंद्र जडेजा को उन्होंने जगह दी है लेकिन उन्होंने शिखर धवन को बाहर कर दिया है, रविंद्र जडेजा को वो सातवें नंबर पर रख रहे हैं। कुलदीप यादव श्रीलंका में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें भी इस टीम में जगह दी जा सकती है। बाएं हाथ का कलाई का स्पिनर भारतीय टीम के लिए एक अच्छा अंतर पैदा कर सकता है, क्योंकि आप देखिए सारे जो स्पिनर हैं वो दाएं हाथ के हैं, और जो पेस बॉलर हैं वो भी ज़्यादातर जो भारत में इस वक्त गेंदबाज चल रहे हैं वो दाएं हाथ के हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, मिल सकता है, वो पावर प्ले और डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भी इस टीम में जगह दी है। ब्रैड हॉग की टीम अब कैसे बनती है, विराट कोहली इसमें है, इसमें रोहित शर्मा है, इसमें सूर्य कुमार यादव हैं, शिखर धवन इससे आउट है, मोहम्मद शमी को भी उन्होंने आउट कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात, शमी ने अभी इंग्लैंड में देखिए टेस्ट में उन्होंने एक तरीके से अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन शमी को इस टीम से बाहर कर दिया उन्होंने, जबकि आप सबको पता है कि शमी एक अटैकिंग बॉलर माने जाते हैं भारत की तरफ से। तो सूर्य कुमार यादव के बाद उन्होंने केएल राहुल को रखा है, ऋषभ पंत को रखा है, हार्दिक पांड्या को रखा है, रविंद्र जडेजा, चहल को इसमें जगह दी गई है, युजवेंद्र चहल को उन्होंने रखा है, शार्दुल ठाकुर को रखा है एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह, यानी दो अगर आप देखें तो तीन जो है तीन इन्होंने पेस बॉलर रखे हैं अपनी टीम में। सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो भले कुलदीप यादव को अच्छा बताया है ब्रैड हॉग ने, लेकिन कुलदीप यादव को अपनी टीम में जगह नहीं दी है। शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ये पेस अटैक हैं, और रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल ये स्पिनर, रविंद्र जडेजा को एक ऑलराउंडर के तौर पर ब्रैड हॉग ने रखा है। आप सब जानते हैं कि T20 के भी बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हैं शिखर धवन, और T20 में भी मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी को प्रूव किया है। इसके बाद भी ब्रैड हॉग ने अपने YouTube चैनल पर अपनी लोकप्रियता के लिए ऐसी टीम बनाई है।